फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। दोस्तों, ये जो टेस्ट है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी का जानकारी देने वाला टेस्ट है। नॉर्मली फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें, हार्डनेस, टफनेस, स्टिफनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, इसके अलग अलग मशीन होता है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल साइंस में इसका पूरा जानकारी मिलता है। काफ़ी दिन से दोस्तों कमेंट आ रहा था इसके ऊपर, थोड़ा NDT के ऊपर बनाने के लिए। ऑलरेडी मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का काफ़ी वीडियो चल रहा है आप लोग का सेवा के लिए। अच्छा आया, कमेंट आया तो मैंने बनाने की कोशिश किया। अलग अलग प्रोब के ऊपर, नॉर्मल प्रोब, एंगल प्रोब, TR प्रोब। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक रखा हूँ जिसका नाम है एंगल प्रोब। एंगल प्रोब में 3 टाइप्स में होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। सामने क्रिस्टल होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारा नॉर्मल प्रोब है, एक क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी बा मैकेनिकल साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आपको डिस्प्ले में दिखाता है। साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है, वो आपको डिस्प्ले में दिखाता है। जब कंटिन्यू दिखाएगा तो उसको कहता है इको, जो आपके सामने दिख रहा है इको है। जब उसको डिसकंटिन्यू दिखाएगा, कोई छोटा बड़ा इस टाइप से कुछ दिखाएगा, तो वो डिसकंटिन्यूटी बाय डिफेक्ट कहता है। जो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, जो आपको ऊपर से कुछ नहीं दिखता है, सरफेस के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा जो डिफेक्ट है, लेकिन अंदर साइड में डिफेक्ट है, उस टाइप का टेस्ट करने के लिए NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का यूज किया जाता है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ प्रोब यूज करता है, नॉर्मल प्रोब, TR प्रोब, ये दो दिख रहा है TR प्रोब, और एक होता है दोस्तों इसका नाम है एंगल प्रोब। इसका एंगल है 60 डिग्री, ऊपर से लिखा हुआ है दोस्तों एंगल प्रोब 60 डिग्री, 45 डिग्री इधर लगा रखा, ठीक है। ये आज के एंगल प्रोब का सबसे एडवांटेज क्या है, कितना एरिया में आपका डिफेक्ट है, कितना डिफेक्ट है वो इस एंगल के थ्रू पता लगता है। जैसे आपका प्रोब यहाँ रखा है और डिफेक्ट आपका यहाँ है, वो पता करके बता देगा जे ये कितना डेप्थ में है, कितना डिस्टेंस में है, पूरा कैलकुलेशन बता देगा। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल जो होता है कोई डिफेक्ट पता करने के लिए, से कास्टिंग का हो, बेल्डिंग का हो, बॉयलर का हो, कोई भी, बहुत प्रिसिशन ऑब्जेक्ट के में इस टेस्ट किया जाता है। जे एलोप्रेन का ब्लेड है, गैस टर्बाइन का ब्लेड है, जेट का ब्लेड है, उस जगह सबसे ज़्यादा NDT का यूज किया जाता है। पर क्रैंक है, आइस इंजन का क्रैंक है, जिसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता है, उस जगह NDT टेस्ट किया जाता है परफेक्ट करने के लिए। NDT का बहुत रकम प्रोसेस होता है, डाई पेनेट्रेशन टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो है, ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब साउंड वेव जो है, मैकेनिकल साउंड वेव है, इस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जो आपको CRT कैथोड रे ट्यूब, जो आपके सामने दिख रहा है कैथोड रे ट्यूब से आपको इको के थ्रू दिखा देगा। इको के थ्रू जे बड़ा छोटा बड़ा हो, जो लास्ट वाला होता है वो उसका बैक इको होता है। डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ये ऑब्जेक्ट हाइट है। जैसे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये 100 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, जो माइल स्टील का बना हुआ है, इसका वेलोसिटी भी पूरा फिक्स है, रेंज फिक्स है, हर चीज़ फिक्स है। तो हमारा प्रोसेस एक बार बता रहा हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें मान लीजिए ये डिफेक्ट है, हमने यहाँ से 30 मान लीजिए अभी लगा रखा 45 डिग्री, ये 45 का हमने प्रोब लगा के रखा, मतलब क्रिस्टल लगा के रखा, जो क्रिस्टल मैंने दिखाया ऑलरेडी, जो नीचे से आपको इस टाइप से दिखेगा, ये क्रिस्टल होता है, ये एक्चुअल वाइब्रेशन को मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्रोब है और डिफेक्ट यहाँ है, ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये कितना फेस से लेके कितना डेप्थ में है, जिसको कहता है D, और ये प्रोब्स का सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, इसको कहता है A α, प्रोजेक्शन डिस्टेंस। और S जो होता है, जो डायगोनल होता है, उसको कहता है S, जो बीम पाथ बा साउंड पाथ, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑब्जेक्ट में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, मान लीजिए ये हमारा डिफेक्ट है, यह 3 पॉइंट मिलता है, ठीक है। ये शो करता है डेप्थ कितना है, कितना नीचे ऑब्जेक्ट में डिफेक्ट है, ये इसको कहता है साउंड पाथ, ये जो डायगोनल दिख रहा है इसको कहता है साउंड पाथ, ये जो डिस्टेंस है सरफेस बराबर जो डिस्टेंस है इसको बोलता है प्रोजेक्शन डिस्टेंस, α
एस और डी, ये तीनों से डिनोटेड होता है एनडीटी के अंदर। डी मतलब डेप्थ, ए मतलब प्रोजेक्शन डिस्टेंस, प्रो और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, और ये डायगोनल है जिसका नाम है बीम पाथ बा साउंड पाथ। ये है ट्रांसड्यूसर एंगल, जहाँ जिस एंगल पे ट्रांसड्यूसर 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री से, जैसे हमने 45 रख रहा है तो मेरा बीटा जो है 45 हो गया। थिकनेस ऑफ टेस्ट पीस, ये थिकनेस कितना है, जैसे 100 mm हमारा पास है 100 mm। सी इज ए वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड का वेलोसिटी क्या आपने लगा के रखा। टी इज ए टाइम, कितना टाइम लग रहा है। ये प्रोसेस करने के लिए प्रोसेस से अल्फा कैलकुलेशन करना है, अल्फा मतलब ये डिस्टेंस करना है, तो एस साइन बीटा, एस साइन बीटा, एस मीन मतलब साउंड पाथ, ये जो है ये है जो आपको डायरेक्ट एस पी एच डी और डी, एस पी मतलब साउंड पाथ, सरफेस डिस्टेंस, डी फॉर डेप्थ, ठीक है। तो आपको अल्फा निकलना है एस साइन बीटा, आपको डी निकलना है डेप्थ, डेप्थ मतलब कितना डेप्थ में डिफेक्ट है, तो एस कॉस बीटा, एस साइन बीटा इज सरफेस डिस्टेंस, डेप्थ निकलना है तो एस कॉस बीटा। ये फॉर्मूला से पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। तो मैं आपको एक बार ऑब्जेक्ट में कैलकुलेशन करके बता, ये हमारा डिस्प्ले है, इनिशियल डिस्प्ले से बैक है, डिफेक्ट है, जैसे डिफेक्ट आएगा, ये छोटा जो डिफेक्ट दिखाता है ये डिफेक्ट होता है, जैसे डिफेक्ट आएगा आपके सामने आके दिखा देगा। इसके बाद मेरे दोस्तों ये हमारा कंडीशन के हिसाब से हमने पूरा सेट कर लिया, एंगल प्रो है 45 डिग्री का एंगल प्रोप लगा कर रखा, इसके बाद हम ये ऑब्जेक्ट के ऊपर रख रहा, देखिए दोस्तों हमने अभी फ्रीज कर लिया, जो वेलोसिटी चाहिए ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने सेट कर दिया। इसके बाद हमें जो इको को ले आना है, ये जो कर्सर है, कर्सर को लेके आना है उसका पोजीशन में, वो कर्सर ले आने के लिए दो पॉइंट होता है, वो नंबर टू पे जाना होता है, ये टू है, टू पे आके हम इसको कर्सर को शिफ्ट करूँगा, इसमें बोल रहा है जो डेप्थ है 50 mm में कुछ डिफेक्ट है, डेप्थ मुझे देखना होगा, डेप्थ 50 mm में कुछ डिफेक्ट है वो मैं मेजर करूँगा, ठीक है। ये 50 mm शो कर रहा है हमारा, अभी भी वहाँ रखा हुआ है, इसके बाद मेजर करके देख रहा हूँ मैं, ये 50 है, मैंने स्केल से पकड़ कर दिखा रहा हूँ, देखिए ये 50 mm लिखा हुआ, इसमें एक डिफेक्ट है इस जगह दिख रहा है, मतलब जो 51.7 बताया दोस्तों वो एकदम परफेक्ट है, जिसका डेप्थ 51.7 है, जिसका सरफेस डिस्टेंस है 51.7 है, जिसका डायगोनल है, डायगोनल जो है ये जो डायगोनल है ये आपको दिखा रहा हूँ, ये जो डी बताया 51, डी इज इक्वल टू 51.7 है, और जो डायगोनल बताया हुआ है वो 73.2, मतलब ये दोनों जो रीडिंग हमारे पास आया है वो दोनों रीडिंग सही है। इसके बाद दोस्तों ये जो छोटा वाला और एक कर्सर दिख रहा है वहाँ जाके मैं देखने वाला हूँ वो चीज़ क्या है, ये मैं कर्सर हटा दिया, एक डिफेक्ट पता लग गया, मैं मेजर करके दिखाया, दूसरा डिफेक्ट मैं पहुँचने वाला हूँ, ये बता रहा है ये जो कुछ है 66.8 मिलीमीटर में कोई डिफेक्ट है, 66.8 मीटर डेप्थ में है, 66.8 किलोमीटर में डेप्थ में है जो मुझे पता करना है, ठीक है। मैंने इसको हटाया, इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर, देखिए ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो डिफेक्ट दिख रहा है आपके सामने, ये डिफेक्ट है, इसको मेजर करके आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए ऊपर से लेके देखिए परफेक्ट 50 mm, देखिए स्केल में दिख रहा है परफेक्ट 50 mm में ए डिफेक्ट है, ये दिख रहा है होल ए डिफेक्ट है, लेकिन 66 में ओपन साइड में तो कुछ नहीं लग रहा है, हाई तो ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से कोई डिफेक्ट होगा, लेकिन वो बाहर से उसके बारे में कोई जान नहीं मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैंने पूरा जानकारी दिखाने की कोशिश किया जो इसके अंदर डिफेक्ट है,
तो कैसे दिखेगा वो पूरा मैंने दिखाने की कोशिश किया, लेकिन एक्चुअल जो 66 दिखा रहा है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है दोस्तों। जो 50 mm दिखा रहा है, जो 50 mm दिखा रहा है उसमें जरूर डिफेक्ट दिख रहा है। जो दिखा रहा है उसमें जरूर डिफेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा के देखा। ऐसा दोस्तों, जैसा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा, इसको थोड़ा सा बॉइलिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर प्रोब रख रहा है, ये दोनों मेटल को एक साथ में कैच कर रहा है। देखिए दोस्तों, दोनों मेटल को एक साथ में कैच कर रहा है, दोनों एक साथ में कैच कर रहा है। देखिए, ये जैसे 41 बताया गया है, मैंने इसको 41, मेरा कर्सर ये रखा है 41, मैंने इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। ये हमारा 10 mm का अलग प्लेट है और नीचे से आपको दिखेगा ये क्या 42.4 बता रहा है। देखिए, मैं इसको मेजर करके दिखा रहा हूँ, ये 45 में बराबर हमको मेजरमेंट दिखा रहा है। ये डिफेक्ट है, ये देखिए 45 है, ठीक है, जिसमें हमने प्रो रखा। ये जो इको आपके सामने दिख रहा है, इसका भी डायमेंशन परफेक्ट है। एक डिफेक्ट 50 mm में है, एक डिफेक्ट 30 mm में है। 30 + 10 = 40, 50 + 10 = 60, इसलिए वो डायमेंशन दोस्तों ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, जूरा पूरा प्रोसेस यहाँ से मैं आपको और पास में लेकर आके कोशिश कर रहा हूँ। इस जगह एक डिफेक्ट दिख रहा है, देखिए ये आपको दिखेगा, इसका जो डायमेंशन है इसको मैं फ्रीज करूँ, फ्रीज कर दिया। इसके बाद मैं कर्सर लेके जाऊँ, हमारा कर्सर कहाँ है, देखिए मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, उसको डायमेंशन दिखाना चाहिए 60 प्लस। ठीक है, देखिए 70 दिखा रहा है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो पूरा परफेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। मैंने पूरा प्रोसेस मतलब जो होता है एंगल प्रूफ के अंदर, ऐसा है आपको, जैसा मैंने 45 डिग्री दिखाया, 45 हटा दिया, एक बार हमें लगा 60 डिग्री एंगल।